अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज और उसके बाद GNM ANM का हम सारा सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सिलेबस के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो फाइनली हम आज आपको जो है सिलेबस बता देंगे, क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन डाउट आपका है वो वहाँ से हमें आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिन पहले हमने वीडियो डाला था, उसमें हमने इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिस्कस की थी और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। पहले आप यहाँ पे देखो कि 12th पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में कौन कौन सा आता है। इसमें मेडिकल असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेलमिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ISM डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मा फिजियोथेरेपी असिस्टेंट एक्स्ट्रा। उसके बाद GNM कोर्सेज इसमें आते हैं, ANM कोर्सेज ये अलग से आते हैं। इन सभी का आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस में जो सिलेबस वगैरह है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो फीस स्ट्रक्चर भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उसकी भी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे अगर पेपर का देखो आप, पेपर जो है वो सिंगल पेपर डिप्लोमा कोर्सेज का होने वाला है। इंग्लिश के आपको 20 मार्क्स आने वाले हैं, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 40 और बायोलॉजी के 40। यहाँ पे आपको टोटल जो है 120 मार्क्स जो है यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, 120 पॉइंट्स। तो इसमें सिलेबस यहाँ पे हम देखते हैं, इंग्लिश का अगर आप देखें, प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, इंग्लिश का यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद कंजक्शन, टाइप्स एंड यूजेस, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज एंड देयर यूजेस, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, देन क्लाजेस, देन सेंटेंस पैटर्न, देन पास्ट परफेक्ट यूजेस, इनफाइनाइट एंड ING टर्म। देन फिजिक्स का अगर आप यहाँ पे देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट खुद ले सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पांच यूनिट्स जो हैं ये आपको फिजिक्स में आने वाले। उसके बाद केमिस्ट्री का अगर आप देखें, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देन उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट 5 एसिड बेस एंड साल्ट्स। उसके बाद लास्ट नंबर पे बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, देन उसके बाद आवर एनवायरनमेंट। ये जो है ये सिलेबस आपका था, इसको सिलेबस जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो कोई कन्फ्यूजन डाउट अगर है आपको कमेंट में बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए।